नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में जहां 1 जून से मिनी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 4 जिलों को लेकर बहुत ही बुरी खबर आई है। क्योंकि दोस्तों कोरोना संक्रमण की अगर हम देखें तो यहां पर अभी भी स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है और गाइडलाइन में पहले ही बताया गया था कि जहाँ पर स्थिति गंभीर है वहाँ पर लॉकडाउन में कुछ भी छूट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं राजस्थान के इन 4 जिलों को जहाँ पर संक्रमण बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों राजस्थान से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट कर दी जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं राजस्थान के अभी भी ऐसे 4 जिले बचे हुए हैं जहां पर कोरोना का जो संक्रमण है वो बरकरार है, उसका खतरा बरकरार है। दोस्तों सब जो सख्त लॉकडाउन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लगाया गया था उससे बहुत ही फायदा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये 4 जिले ऐसे हैं जिससे सरकार को अभी भी चिंता है। यहां पर जो संक्रमण है टस से मस नहीं हुआ है, रोजाना ये लिस्टें निकलती रहती हैं और इन्हीं लिस्टों में दोस्तों ये जो 4 जिले हैं इनका खतरा बरकरार रहता है। यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं राजस्थान में हर दिन कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वैसे तो लगातार कमी देखने को मिल रही है, ये आप सभी को पता है। और दोस्तों जो शुक्रवार को मामले आए थे वो मात्र 2648 आए थे, यानी कि जो पहले मामले यही मामले 16,000 से और 17,000 आ रहे थे एक दिन में, और अब दोस्तों मात्र 2648 आए हैं और जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या भी कम है। लेकिन दोस्तों ये जो 4 जिले हैं ना ये बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जो गुरुवार को सबसे ज़्यादा अधिक जयपुर है, पहले नंबर पर तो दोस्तों हाईलाइट जयपुर है, उसके बाद में जोधपुर है, ये महानगर हैं राजस्थान के, इसके बाद में उदयपुर है और दोस्तों और अलवर जिले में भी भारी संख्या में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है। दोस्तों ये 4 जिले हैं जहां पर स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। अब दोस्तों मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि जो 23 मई को गाइडलाइन गृह विभाग के द्वारा जारी की गई थी उसमें आप सभी को मैंने बताया भी था कि स्पष्ट उसमें ये लिखा हुआ है कि जहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार रहता है या अधिक रहता है तो दोस्तों वहाँ पर आपको कम छूट मिलेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 4 जिले हैं यहाँ पर आपको कम छूट मिल सकती है, क्योंकि 1 जून से राजस्थान में अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। अब अनलॉक में पूरी छूट तो आपको मिलेगी नहीं, कम छूट मिलेगी, लेकिन दोस्तों जो रोजमर्रा की चीजें हैं उससे आपको बहुत सुविधा होने वाली है। लेकिन ये जो 4 जिले हैं ना ये दिक्कत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि एक साथ ही पूरे राजस्थान में खोल दें, लेकिन दोस्तों यहां पर कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बरकरार है। आपको इस चैनल पर हर अपडेट राजस्थान से जुड़ी, राजस्थान में 33 जिले हैं, छोटी से छोटी जानकारी यहां पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस जरूर कर लें तथा राजस्थान के किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारी वीडियो इस जिले से देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।